महादेव पवन सदरवान जी महाराज के बोल साचे दरबार की सभी सभी की बेला और सभी को जजे सितारा समिति का आदेश मन पसंद और आप सबको आए आनंद ऐसी कोशिश जिससे कुछ न कुछ सीख यहाँ उपस्थित सभी श्रोता बंधु अपने जीवन में उतारेंगे। अंधे माता पिता का एक ही सहारा श्रवण कुमार। जब श्रवण कुमार ने देखा कि घर में अंधे माता पिता पर अत्याचार हो रहा है तो अपने माता पिता को चारों धाम यात्रा कराने के लिए श्रवण कुमार आज बांसों का कावड़ बनाते हैं और बड़ी खुशी के साथ में अपने माता पिता को बैठा कर तीर्थ कराने निकल पड़ते हैं। क्या होता है माता पिता रख कांधे पर चल दिए देखो श्रवण कुमार। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को चारों धाम यात्रा कराने के लिए बांसों का कावड़ बनाकर बैठा कर ले जाते हैं। क्या होता है कांधे पर उन्हें
आज श्रवण कुमार तीर्थ करा रहे हैं, तीर्थ करा रहे जो नदी तट के किनारे राजा दशरथ की नगरी में पहुंचती है, तो अंधे मात पिता को जोरों की प्यास लगती है। अपने लाल श्रवण कुमार से कहते हैं, प्यास से जब हो गए मात पिता बेहाल, जाकर थोड़ा नीर ले आओ ओ मेरे मात पिता। कहते श्रवण कुमार, मेरे बेटा सर बन ला दो, मेरे हमको नीर जरा सा। हिलाल ये कंठ प्यास से सूख रहे हैं। मात पिता कहते हैं, रहा नहीं जाए प्यासा हो, आ
रह नहीं जाए प्यासा हो, रह नहीं जाए प्यासा हो, रह नहीं जाए प्यासा। और अंधे माता पिता कहते हैं लाल, प्यास सताती है, प्यास सताती है, मन घबराता है, हो प्यास सताती है, हो मन घबराता है, हो प्यास सताती है, हो मन घबराता है। जाकर थोड़ा नीर ले आओ, जाकर थोड़ा नीर ले आओ, जाकर थोड़ा नीर ले आओ, कैसी देरी लगाए, कैसी देरी लगाए, ओ मेरे बेटा सर बन जाओ, मेरे तो सरवन कुमार अपने माता पिता को पट वृक्ष के नीचे बैठा करके सरजू नदी से जल भरते जाते हैं। और उधर राजा दशरथ शिकार खेलने के उद्देश्य से बैठे होते हैं। जैसे ही सरवन कुमार अपना पानी का पात्र नदी में डालते हैं तो पानी की आवाज सुनकर राजा दशरथ अपना शब्द वेदी बाण ये समझकर मार देते हैं कि कोई जंगली जानवर पानी पीने आया है। जैसे ही सरवन कुमार के कलेजे में तीर लगता है और करुणा की आवाज सुनते हैं राजा दशरथ दौड़े दौड़े जाते हैं तो सरवन कुमार कहने लगते हैं, राजन हे राजन, आखिर क्या कसूर था मेरा, क्यों मुझे बेवजह अपने बाण मारा। सरवन कुमार कहते हैं, अरे मारा है क्यों, मारा है क्यों तुमने राजा ये बाण। हे राजन, मारा मैंने राजा ये बात, ये कारण बता दीजिए, ये कारण बता दीजिए। अपने लाल को पुकारते हैं, सरवन कुमार कहाँ इतनी देरी लगा दी है लाल, जल्दी से आ जा, कहते हैं ओ
अरे लालन हो लालन आजा आजा। अंधे माता कहते हैं लालन हो लालन आजा लालन हो लालन आजा अबे तुमने